A particle undergoes uniform circular motion. About which point in the plane of the circle will the angular momentum of the particle remain conserved? Question कह रहा है कि एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और किस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल. देखो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट अ पॉइंट अबाउट विच नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो. तो एंगुलर मोमेंटम उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा जीरो लग रहा होगा. ठीक है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा. आर क्या है जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से पार्टिकल तक की डिस्टेंस आर और एफ जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे उनके बीच का एंगल थीटा. तो जब जब मेरा थीटा ज़ीरो जब जब मेरा थीटा ज़ीरो या 180 होगा तब तब मेरा टॉर्क क्या होगा ज़ीरो. ठीक है और मेरा अगर टॉर्क ज़ीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क होता है डी एल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर आपका टॉर्क ज़ीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहने वाला है. तो अब देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल. तो अगर सेंटर ऑफ सर्कल के अबाउट मेरा टॉर्क ज़ीरो होगा तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा. तो आर वेक्टर होगा मेरा इस डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में हमेशा फोर्स कहाँ लगता है टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ 180 डिग्री. 180 डिग्री मतलब टॉर्क क्या हो गया ज़ीरो हो गया. अगर टॉर्क ज़ीरो हो गया तो मतलब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है. बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑन द सर्कमफ्रेंस तो ये सर्कमफ्रेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया. ठीक है अब मेरे पास सर्कमफ्रेंस पे अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया ये मैंने ले लिया सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट. ये मेरा जो पिंक येलो वाला पॉइंट है ये मेरा पार्टिकल है. ये मेरा पार्टिकल है और मैंने सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट लिया है वो है पी वन. अब क्या पी वन के अबाउट भी टॉर्क ज़ीरो होगा. देखो फोर्स लगेगा तो सेंटर की तरफ और यहाँ से जो आर वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. तो क्या फोर्स और आर के बीच में एंगल 180 है या ज़ीरो है. नहीं क्योंकि फोर्स इधर है और आर वेक्टर इधर है तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 नहीं. तो इसलिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी ज़ीरो नहीं और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं. फिर एक पॉइंट लिया मैंने P2 पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल. पहले इसका कर लेते हैं. तो P2 के लिए आर वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में है ना क्योंकि पार्टिकल मेरा इधर है तो पोजीशन वेक्टर आएगा ऐसे. फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ लगेगा अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल 180 या 0 नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा इस पॉइंट के अबाउट. एक पॉइंट सर्कल के अंदर ले लेता हूँ जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया है. थर्ड ऑप्शन में आर वेक्टर ऐसे है एफ वेक्टर ऐसे है अभी भी एंगल जो है वो 0 नहीं बन रहा तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.